सो दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी प्रश्न के बारे में, जो मानव नेता रंग बिरंगा संसार है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ गया आने वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है पूछा गया है। सो मिल करते हैं, आपको वीडियो में ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का फोकस ही कर सकता है, ठीक है। ऐसा कर पाने का क्या कारण क्या है, ठीक है। तो आपको बता दें इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, ये इसका जो मतलब है इसमें क्षमता से, ठीक है। तो जो नेत्र है हमारे आँखों में एक लेंस पाया जाता है, वो उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस में क्या होता है, जब प्रतिबिंब उसमें बनता है तो वस्तु में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसका कहने का मतलब है कि जब आप फोकस दूरी को घटाए या बढ़ाने, ठीक है, फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने को क्या कहते हैं, समझने क्षमता कहते हैं। तो यहाँ क्या करें, फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, ठीक है। फोकस दूरी को समायोजित करने का मतलब है उसको घटाता है या फिर क्या करता है, बढ़ाता है। यही आपका क्या है, समंजन है। और इसमें जो आपका समंजन पे ट्रिक मार के चले जाएंगे समंजन पे। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है या स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो आप कहेंगे रेटिना पर। कहाँ बनता है, रेटिना पर। स्वस्थ आँख का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या है। निकटतम बिंदु आप जानते हैं 25 सेंटीमीटर है, पर दूर 50 सेंटीमीटर तो है नहीं, 50 सेंटीमीटर के आपको पास दिखाई नहीं देगा। और ऐसा भी नहीं है 100 सेंटीमीटर के पास आपको क्या कहेंगे, हमें अनंत तक दिखाई देगा, ठीक है। तो आप अनंत पे टिक मार के चले जाएंगे। यही जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। देखिए 14, 18, 19 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन जो स्वस्थ आंखों की दूर बिंदु क्या है, अभी 11, 12, 13, 19 में पूछा गया था। तो सो जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसके बाद देख लेते हैं तो आपका कुछ नंबर जो एकदम फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए, तो मतलब कि निकटतम, या देखिए चार क्वेश्चन इससे बन सकता है। पहला क्वेश्चन है कि स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि कि न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कम से कम दूरी कितनी होती है जिससे वह वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लिया जाए। तो हमको पता है, हमें जब स्कूल में थे कक्षा 7-8 में, तो हम लोग को सजेशन दिया था ना कि हमको वस्तु को 24 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के पढ़ने चाहिए। तब उससे नज़दीक रखेंगे तो हमारे आँखों पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। या फिर अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र का निकटतम बिंदु क्या होना चाहिए, 11 पूछा गया था, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 14, 18, 19 में पूछा गया था, या एक स्पष्ट मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, तो 2019 में पूछा गया था। लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका न कि 50 पे होगा, न ही 100 पे होगा, और न ही अनंत पर होगा। तो ऑप्शन क्या बचा, 25 से में। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दूर दृष्टि स्थिति क्या होती है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की का दूर दृष्टि बिंदु स्थिति स्थित होता है, तो वह अनंत से कम दूरी पर, ठीक है, अनंत से कम दूरी पर। यही इसका ऑप्शन सही होगा, ना कि ये होगा, ना कि ये होगा, ना कि होगा। आप कंफ्यूज में होगा, 25 सेमी पर भी नहीं होगा, ना 25 सेमी की कम दूरी पर होगा, ना अनंत पर होगा, इसलिए अनंत से कम दूरी पर हल्का सा होगा, यही इसका आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। यदि आपके शरीर में, आपकी आंखों में दूर दृष्टि दोष हो जाता है, दूर का मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, तो इसमें दूर दृष्टि दोष के कारण क्या है, तो वह क्या होता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना के जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है, पीछे बनता है, और उसे हम उत्तल लेंस लगा कर क्या करते हैं, उसे और आगे लाते हैं, ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस क्या करता है, उसकी फोकस दूरी को घटा देता है, ठीक है। और कहाँ बनाता है, रेटिना जब बनाने लगता है तो दूर दृष्टि दोष भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, न कि रेटिना पर, ठीक है, रेटिना पर भी नहीं होगा, रेटिना के आगे हो गया तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, ठीक है, रेटिना के पीछे ही क्या उसका ऑप्शन सही होगा, न कि ये होगा, न कि ये होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या किया जाता है, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, क्या पुतली द्वारा, नहीं, दृष्टिपटल द्वारा, ये भी नहीं, परितारिका द्वारा, नहीं, तो ऑप्शन क्या होगा, ये, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है किसमें, लाल रंग में। आपको पता है जब लाल रंग को खतरे की घंटी क्यों बताई गई भैया, क्योंकि सबको पता है कि जो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और दूर से भी व्यक्ति इसको क्या कर सकता है, देख सकता है। यही भी हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला है कि प्रकाश प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम, ठीक है, होता है किसका, तो बैंगनी रंग का।
हमारे। और यही रंग के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है या फिर बैंगनी होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना होगा, तो आपको बताया था अवतल लेंस। और अगला क्वेश्चन है ना कि उत्तल लेंस का भी नहीं करना होगा, ठीक है, उत्तल लेंस का भी नहीं होगा, अवतल लेंस क्या ही आप सोचिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब क्या है, दर्पण का तो उपयोग होता नहीं, केवल लेंस का उपयोग होता है, तो लेंस में उत्तल हो गया तो अवतल हो गया, तो इसमें क्या हो गया, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा में से देखने पर, ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है, काला, क्योंकि वहाँ पे क्या कोई प्रकाश की किरण नहीं जाती है सूर्य की, उसमें क्या है कि वो आकाश क्या होगा, पूरा पूरा काले दिखाई देगा, क्योंकि उसमें जो है कोई भी प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, यदि सूर्य नहीं होगा, यदि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, तो हमें भी आकाश क्या होगा, काला दिखाई देगा। सो उम्मीद करते हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।